बाबा जी वह बाबा जी के दिव्य स्वरूप को सादर कोटि कोटि प्रणाम। क्या कोई उपक्रम है कि हम क्रोध में भी क्षमा को साध सकें? आखिर भावों में बदलाव का रहस्य क्या है? मैं क्षमा के विनती करना चाहूंगा कि कदाचित मुझे कभी कभी आप भी इन प्रपंचों से घिरे हुए प्रतीत होते हो। यह मेरा अज्ञान ही है, पर मैंने आज तक एक संत भी ऐसा नहीं देखा कि जो भावना शून्य हो प्रतिपल। यह मेरा अज्ञान ही है, पर मैंने आज तक एक संत भी नहीं देखा ऐसा जो कि भावना शून्य हो प्रतिपल। प्रश्न पूछने का ढंग ठीक से व्याख्यायित किया नहीं गया, या तो कदाचित अपना अज्ञान ना बोलो। इतने कॉन्फिडेंट तो हो ही जाओ ना कि मैंने एक भी संत आज तक भावना शून्य नहीं देखा। तुमने नहीं देखा, लेकिन होते हैं, रोज देखता हूं। मुर्दा वो संत है जो भावना शून्य होता है। देखे तो तुमने भी होंगे, लेकिन ख्याल नहीं किया होगा और लिखते वगैर वक्त दिमाग ने काम नहीं किया होगा। मैंने आज तक एक भी संत नहीं देखा जो कि भावना शून्य होता है। भावना शून्य क्यों नहीं होता? मुर्दा भावना शून्य होता है। कोई भावना नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, कोई मैं का भाव नहीं, कोई तू का भाव नहीं। प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न पूछने का ढंग भी अच्छी तरह से देख लिया करो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों की जड़ तक पहुंच जाता हूं मैं। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो लिखा है वह द्वंद्व से भरा पड़ा है। कदाचित मैं आपको भी इन भावों के भीतर, प्रपंचों के भीतर उलझा हुआ देखता हूं। जीवंत व्यक्ति में क्रोध आएगा, स्वाभाविक है। जीवंत को भूख लगेगी, स्वाभाविक है। जीवंत को प्यास लगेगी, करुणा भी आएगी, क्रोध भी आएगा, क्षमा भी आएगी। जिन्हें तुम विकार कहते हो सभी आएंगे, अगर वो जीवंत है तो। लेकिन अगर आप ऐसा संत देखना चाहते हो जिसमें कोई भी भावना ना हो, भावना शून्य हो, तो रोज देख लेना शमशान घाट के चौखट पर बैठ जाना। सभी संत आपको भावना शून्य मिलेंगे, जो कि आग के अर्पण कर दिए जाते हैं या गड्ढों में दफन कर दिए जाते हैं, वो सभी संत होते हैं। कल ही व्यक्ति गुजरा था, थोड़ा सा कंधा लग गया था या थोड़ा सा घूर के झांका था तो उसने तुम्हारी गर्दन पकड़ ली थी। कैसे घूर रहा है?
ये कंधा कैसे बढ़ाया, जानते हो मैं कौन? और आज ही इतना भावना सुन हो गया, इसके ऊपर थूक दो, इसको ठुड्डा मार दो, और ये तो छोड़ो, जलती हुई लकड़ियों में डाल देते हो। जरा भी भावना दिखलाता नहीं, पूर्ण भावना शून्य है। संत नहीं देखा आपने, आपने नहीं देखा होगा, ये सत्य है। लेकिन अगर कोई जीवंत व्यक्ति है तो सभी में ये भावनाएं आएंगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ये सब कुछ आएगा, और तुम जानकर चकित होगे कि संत में और साधारण व्यक्ति में, पहली बात तो ध्यान में रख लेना, यह संत कभी साधारण था। अचानक ही एकदम से संतत्व गगनमंडल से आया नहीं, और यह संत हो नहीं गया अचानक से, धीरे 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 एक दिन संतत्व भीतर प्रवेश कर गया। संत कभी साधारण व्यक्ति भी था, इसलिए साधारण व्यक्ति के दुख, दर्द, आग, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, रोग क्या भली भांति जानता है, और उसी को ही हम गुरु के नाम से मुखातिब करते हैं। जो संत इस पार की खबर भी देता है, दुखों, दर्दों, आगों, चिंताओं से त्रस्त, और उस पार की खबर भी देता है, दुखों, दर्दों, चिंताओं और आगों से परे, दोनों की खबर देता है, वह संत। जो सिर्फ मात्र एक पक्ष की खबर दे, संसार की ही खबर दे, वह संसारी। यह दोनों की खबर दे, इस लोक की भी और परलोक की भी, वह संत। और ध्यान रखना, संत कभी साधारण मानव भी था, इसलिए संत बड़ा कीमती है। संत तुम्हारे अनुभवों में से गुजरा हुआ, इन्हीं गलियों में खेलकर, इन्हीं धूल धमासों में लिपटा हुआ, यहां से गया है और निर्मल हो गया है। इसलिए इस पार की खबर भी अच्छी तरह से जानता है, और उस पार की खबर भी अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए ही उसे संत कहा जाता है। मैंने आज तक एक भी संत ऐसा नहीं देखा जो कि भावना शून्य हो, देखोगे बिना। देखना है तो मुर्द घाट के द्वार पे बैठ जाओ, वहां सभी मुर्दा संत हैं और भावना शून्य है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो सभी संत हैं। अगर व्यक्ति जीवंत होगा तो वह प्रतिक्रिया करेगा ही, यह बात अलग है कि प्रतिक्रिया होगी किस प्रारूप में। साधारण व्यक्ति के ऊपर तुम थूक दो, वह तुम्हारे गले में हाथ डालेगा, बिना पूछे 5-7 चप्त भी लगा देगा, आंखों में लाली भी आ जाएगी, वाणी में क्रोध भी आ जाएगा, लेकिन बुद्ध के ऊपर तुम थूक दोगे, प्रतिक्रिया वो भी करेगा। ये बात अलग है कि प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत करेगा। तुम्हारी अपेक्षा ये थी कि आम व्यक्ति पे तुमने थूका, उसने तुम्हारा गला पकड़ लिया,
लेकिन बुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं। बुद्ध कहते हैं, ये तो मैं समझ गया, और भी कुछ कहना? बुद्ध अति सहिष्णु है, इसलिए बुद्ध है। प्रतिक्रिया तो ये भी हुई, और भी कुछ कहना है? ये प्रतिक्रिया ना हुई? हुई, प्रतिक्रिया ही हुई, लेकिन किस ढंग से हुई? बस ये ढंग बदल जाता है। तुम क्या कहते हो? जिन्हें तुम भगवान मानते हो, उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया? ये बात अलग है कि कृष्ण क्रोध करते हैं शिशुपाल को, लेकिन सहिष्णु है, अपनी बुआ को वचन दिया है। 99 गलतियां माफ, और बड़े सहिष्णु हैं, मर्यादा में रहते हैं। और गिनवाते हैं, शिशुपाल से ही गुस्सा है, क्योंकि शिशुपाल की घरवाली रुक्मणी, जिसके साथ शादी होनी थी, वह बेचारा बैरात लेके गया और कृष्ण उसको उठा लिया है। निश्चित ही उसका गुस्सा स्वाभाविक था, वह बहुत कुछ बोला, कमीने, निकृष्ट, नीच, दुष्ट, अधम, राक्षस, लोगों की माताओं बहनों को उठाने वाले, लुच्चे, लंगे, गुफुंडे, कहा ना, क्या कुछ कहा। और कृष्ण सुनते रहे, जानते हैं मैंने बुआ को वरदान दिया है, 99 गालियां माफ, और इतनी सहिष्णुता है। बताते रहते हैं शिशुपाल 90 हो गए, शिशुपाल 99 हो गई, बस शिशुपाल अब इससे आगे मत बोल रहे, खतरा। लेकिन शिशुपाल रुकते हैं, बस यही फर्क है कृष्ण में और शिशुपाल में। शिशुपाल भड़क जाते हैं, तू क्या कर लेगा रे, लोगों की लड़कियों को घरों से उठाने वाला तू कायर, तू लुच्चा है, लफंगा है। अपनी गालियों के बौछार शुरू रखता है, और ऐसा नहीं कि कृष्ण धैर्य खो देते हैं, कृष्ण का धीरे बना रहता है। 99 और 100 गालियों तक कृष्ण का धीरज बना रहता है, लेकिन जब सीमा लांघ देता है शिशुपाल, तो वह उसका सिर कलम कर देते हैं। क्रोध की भावना तो कृष्ण में भी है, बिना क्रोध के किसी का गला काटा जा सकता है? क्रोध तो राम में भी आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन क्रोध राम में भी आता है। बैठे हैं समुद्र के ऊपर, पूजा करते हैं, समुद्र से विनती करते हैं कि हमें मार्ग दे दो, मेरी स्त्री को रावण हर के ले गया है, मैं रावण की लंका तक पहुंचना चाहता हूं अपनी वानर सेना समेत, मुझे मार्ग दे दो। विनती भी करता है, शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर की उपासना भी करता है, समुद्र से भी विनती करता है, लेकिन समुद्र एक नहीं सुनता।
विनती पे विनती कर रहे हैं भगवान राम, और समुद्र उन्हें मार्ग नहीं दे रहा है। तो लक्ष्मण कहता है, भैया दुष्ट व्यक्ति क्रोध की भाषा के सिवा कोई भाषा समझता नहीं, और तुम क्रोध की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। भैया राम समझ जाते हैं कि कुछ दुष्ट पुरुष क्रोध ही की भाषा को समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है तो मर्यादाओं से परे खुद का स्वरूप भूल जाते हैं। खुद का स्वरूप तो सदा उन्हें याद रहता है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि यह पंचभौतिक शरीर और यह मन, क्रोध तो इसी के द्वारा होगा। यद्यपि शक्ति मेरे अंतस्तल से ही प्रभावित होगी, शक्ति तो आएगी आपके अपने आपे से, क्योंकि वह शक्ति का पुंज है, और बाहर आकर कन्वर्ट हो जाएगी क्रोध में। बस यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी का। अज्ञानी ये जानता नहीं कि कोई तत्व है जो देख भी रहा है मेरे क्रियाकलापों को, लेकिन ज्ञानी यह जानता है कि मेरा एक इंस्ट्रूमेंट, मेरा एक पुर्जा क्रोध कर रहा है, वो है बुद्धि, और उस पुर्जे को क्रोध करते हुए मैं देख रहा हूं। दो फलक का तीर है, अज्ञानी एक फलक का तीर है, ज्ञानी दो फलक का तीर है। ज्ञानी की दृष्टि क्रोध करने वाली बुद्धि के ऊपर भी होती है, और ज्ञानी की दृष्टि उस क्रोध का साक्षी हुए हुए स्वयं के ऊपर भी होती है। दो तरफ का ध्यान होता है ज्ञानी का। अपने साक्षी में तो वो सदा ही स्थिर रहता है, तो उसका स्वभाव है। जिसने एक बार स्वभाव को जाग कर देख लिया, या फिर उसे कभी भूल नहीं पाएगा, भूलने का कोई हेतु भी ना बचा, क्योंकि यही तो इल्यूजन था, और ये इल्यूजन ही टूट गया। और जब इल्यूजन एक बार टूट जाता है तो सदा के लिए टूट जाता है, फिर से नहीं बनता। ये समझ लेना बात को। ब्रह्म अगर एक बार टूट गया तो फिर से जन्म नहीं लेता, लेकिन राम को कोई भ्रम नहीं है, कृष्ण को कोई भ्रम नहीं है। कृष्ण जानते हैं कि मैं शिशुपाल को मार दूंगा, लेकिन शिशुपाल कहां मरेगा? मरेगा तो उसका पंच भौतिक तत्व का शरीर मरेगा, शिशुपाल स्वयं तो कभी नहीं मरेगा। ये अगर कृष्ण नहीं जानते तो और कौन जानता है? और राम भी जानते हैं, क्रोध तो राम भी करते हैं। अग्निबाण खींच लिया और समुद्र से कहा, सावधान, मैं अग्निबाण का प्रयोग कर रहा हूं जिससे तुम्हारे सारे समुद्र के पानी को यह सोख लेगा और तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसी क्रोध की वाणी बोलने से, जब राम बोलते हैं त्राही माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो,
हाथ जोड़कर प्रभु राम के चरणों में आ जाता है, क्षमा करो प्रभु। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को अपने हाथों से समाप्त कर दोगे। मेरे गर्भ के अंदर बहुत से जीव जंतु, उनके छोटे छोटे बच्चे, पेड़ पौधे, बहुत कुछ है, पशु हैं, जीव जंतु हैं, सभी जीवित प्राणी भी हैं। इन सबका संहार कर दोगे और इनका कोई कसूर भी नहीं, इसलिए है मेरे मालिक मुझे क्षमा करो, इन बेकसूरों को माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें रास्ता दे देता हूं। और रास्ता बता दिया गया, नल नील नामक दो बंदर हैं जिनको बचपन में ऋषियों ने श्राप दे दिया था, लेकिन वो श्राप नहीं था, वह वरदान था। क्योंकि बचपन में नल और नील दोनों खेल करते करते ऋषियों का जो सामान था वो समुद्र में बहा देते थे, सामान डूब जाता था। तो ऋषि ने उन्हें शराब दे दिया कि आज के बाद, कहानी है, कथा है, तुम जो भी चीज पटक दोगे समुद्र में वो डूबेगी नहीं। ये श्राप दिया गया सिर्फ स्वयं के सामान की रक्षा करने के लिए, और यही श्राप भगवान राम के काम आया। नल और नील दोनों के हाथ लग जाते पत्थर, वह कोई राम राम नहीं लिखा था, ये कवि थोड़ा श्रृंगार कर देता है शब्दों का, कभी थोड़ा श्रृंगार करके शब्दों का उसे सुंदर बना देता है, अलंकृत कर देता है। इसलिए तुलसी की रामायण में आप जितने सुंदर अलंकार पाओगे, जैसे एक नारी ने 16 श्रृंगार कर लिया, ऐसे शब्दों को ऐसा श्रृंगारित किया गया है कि इनको इनके शब्दों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, इसलिए ही ये महाकवि कहलाए। इनके शब्द महाश्रृंगारित शब्द हैं। कहते हैं राम राम लिख दिया गया, बस जो श्राप था वो यही था, जिसको ये छू देंगे वह नहीं डूबेगा पानी में। और बंदर ले आते, नल नील फेंक देते, डूबता नहीं। और उसी से सारा पुल बंध गया, जिसको हम राम सेतु कहते हैं। तो राम को क्रोध आया नहीं आया? तुम्हारी सोचने की दृष्टि बड़ी संकीर्ण है, संकीर्ण हृदय के मानव ही ऐसे प्रश्न उठाया करते हैं। सिकुड़ी हुई बुद्धि, तुम भगवान राम से कहते हो उन्हें कभी काम नहीं सताया, कैसे नहीं सताया? काम नहीं सताया तो फिर लव और कुश कहां से पैदा हो गए? ऊपर से पैदा हो गए। इसलिए हमारे पुराणों में एक बहुत बड़ी गलती की गई, सत्य को सीधे सीधे स्वीकार कर लेने की बजाय उन्होंने उल्टे सीधे उपाय किए। बस बात एक ही थी, वो एक क्या थी? वो सही तत्व नहीं जानते थे कि जीवित व्यक्ति को सब प्रकार के, क्योंकि वह ऊर्जा युक्त होगा और उन ऊर्जाओं को किसी भी रूप में रूपांतरित किया जा सकता है,
क्योंकि सभी वासनाएं जिन्हें आप वासनाएं कहते हो ऊर्जा के सिवा और कुछ भी नहीं, और ऊर्जा के बिना वो वासनाएं होती भी नहीं। इसलिए मुर्दे में ना काम होता है, ना क्रोध होता है, लोभ ना मोह ना अहंकार ना मद ना मत्सर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा नहीं रही इसलिए ही तो मुर्दा हो गया। जीवंत का मतलब ही ये ऊर्जा युक्त प्राणी जीवंत है, ऊर्जाहीन प्राणी मृत है। सीधी सी बात को अगर ऋषिगण स्वीकार कर लेते तो ये पाखंड लिए हुए इतने पुराण ना लिखे जाते। एक बात को सिद्ध करने के लिए जो आज तुमने पूछी, यह संकीर्ण भावना से उत्पन्न हुआ प्रश्न है, और यही प्रश्न तुम्हारे ऋषि अपने मन में लिए लिए चले गए, उनको समाधान नहीं मिला। अगर सहज वृत्ति को, प्रकृति की सहज वृत्ति को इन महान पुरुषों ने स्वीकृत कर लिया होता तो ऐसा उत्पात कभी खड़ा ना होता। हनुमान के पसीने से मकर ध्वज पैदा हो जाता, और हद की बात है, स्त्रियों के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्रह्मा के मुख से भुजाओं से क्षत्रिय पैदा होते हैं, जांघों से वैश्य और पांव से शूद्र पैदा होते हैं। भला ये चारों स्थान बच्चा पैदा करने के उपयुक्त स्थान हैं, तो फिर ये पाखंड के शास्त्र जिन्हें तुम पुराण कहते हो, रोज सुनते हो, ये ऐसे ही सुनते रहो? मैं इसलिए कहता हूं कि अपने न्यूरॉन्स में ये गंदगी मत भरो, फिर ये गंदगी तुम्हें दिशाहीन कर देगी, तुम्हें मार्ग से भटका देगी, और तुम वहां पहुंच जाओगे जहां आग ही आग है, जहां दुख ही दुख है, उसी को नरक कहते हैं। नरक और स्वर्ग बनाए इन प्राणों ने। नरक और स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान है नहीं, और इन पुराणों में उनकी योजनों की व्यवस्था की गई है। इतनी दूर ये नरक है, इतनी दूर ये नरक है, इतनी योजन पे ये है, इतनी योजन पे ये है, कुंभी पाक नरक इतने योजन पे है। मेरे पास एक ऐसे ही तथा कथित पाखंडी संत आ गए। ये लोग नरक जाएंगे, कहां जाएंगे? नरक में है, जाएंगे कहां? अभी नरक में है। और फिर देखिए प्रकृति के सिद्धांत का यहां पर उल्लंघन भी होता है, क्योंकि सीधी सी हिसाब किताब है कि एक कर्म का फल एक ही बार भुगतना होता है, और अगर स्वर्ग और नरक होते हैं तो फिर यहां जो तुम कैंसर की बीमारियों से जूझ रहे हो, ट्यूबरक्लोसिस गंभीर बीमारियों से तुम युक्त हो, कितने लोग कोरोना काल में मर गए, बड़े बड़े फोड़े तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के ऊपर कोड जो चलता है वो क्या है? अभी और भोगना बाकी है,
या तो यहां भोगोगे या फिर नरक और स्वर्ग में भोगोगे। और स्वर्ग में इंद्रा है, अप्सराएं हैं, कल्प वृक्ष, ये सभी तुम्हारे मन के काल्पनिक दृश्य थे। संत अपनी मस्ती में मस्त, ऐसा आनंद भाव में बैठा हो, उसके आगे स्वर्ग लज्जा जाता है, स्वर्ग को शर्म आती है। संत जिस तल पर जाकर तुम्हारे स्वर्ग की शराब से ज्यादा बहुमूल्य शराब पीता है और उस मस्ती में खो जाता है जिसे कुमारी कहते हैं बाबा नानक। जहां तुम्हारा स्वर्ग जाके शर्म से सर झुका लेता है, और हॉस्पिटल में आप चीखे मारते हुए, चिल्लाते हुए, दर्दों से कराहते हुए, फोड़ों को चीरे लगाते हुए, मवाद बहते हुए, दुर्गंध युक्त उस व्यथा को सहते हुए, वो कुंभी बाग नरक नहीं है तो और क्या है? उस कैंसर के फोड़े में पाक नहीं होती तो और क्या होता है? अमृत होता है। यही कुंभी बाग नरक है। ध्यान रखना, यह प्रकृति का उसूल है। कर्म का फल एक ही बार मिलता है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया, उसे ताउम्र की सजा हो गई। जब उसकी ताउम्र की सजा खत्म होगी तो उसे बहाल कर दिया जाएगा, जेल की कोठरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या उसको फिर से बुलाया जाएगा? क्या हो भाई, तुमने कत्ल किया? कहेगा हमने तो भोग लिया। तो यहां भोग कर नरक में अलग से भोगना पड़ेगा। यह तुम्हारी पुराणों की व्यवस्था मानसिक विक्षिप्त लोगों ने बनाई थी, जिन्हें पता ही नहीं प्रकृति के नियम क्या है। सभी को पता है, एक बार की एक्शन का एक बार रिएक्शन होता है। जो कर्म करोगे उसका फल एक बार भोगना पड़ेगा, और जब भोग लिया तो नर जरा हो गया। अगर फिर से भोगना पड़ा तो कहां भोगा? तो यहां गद्दियों के सुखों को मत देखना, गद्दियों में तो सुख होता ही ना। लगता है शरीर को अच्छे वस्त्रों से सजा लेना, शरीर को अच्छे खाना पीना दे देना, बोझ मस्ती कर लेना, स्वर्ग जैसे दृश्य बना लेना, घूमना फिरना, पहाड़ों का दर्शन करना, गिरती हुई स्नोफॉल को देखना, इसको तुम स्वर्ग समझते हो। लोग अपने स्टेटस में डालते हैं, लुत्फ उठा रहे हैं गिरती हुई बर्फ का। अक्सर में वो लोग चिढ़ाते हैं, सुख नहीं है भीतर, तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। देखो मैं बहुत सुखी हूं, यही तुम गलती खा जाते हो। तुम उनके स्टेटस को पढ़कर तुम्हारे मन में आता है क्यों ना मैं भी जाऊं, और जो तुम जाकर वहां पर गिरती हुई स्नोफॉल के नीचे एक बार नहा लेते हो तो फिर क्या सदा ही नहाते रहते हो? ये जो सुख जिन्हें तुमने सुख समझ रखा है,
वास्तव में ये सुख है नहीं। दुख तो है जो असहाय पीड़ा से कोई संकट आ गया, कोई ऐसा रोग आ गया, तुम्हें एडमिट होना पड़ा, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये कुछ करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा तो दोनों किडनी ही फेल हो गया, अब वो नरक नहीं तो और क्या है, तुम्हारी तो कैंसर का फूड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये फोर्थ स्टेज में आ गया, और तुम चलाते हो, कराहते हो, चींखे मारते हो, ये नरक नहीं तो और क्या है। शरीर के ये अंग काम करना छोड़ जाएं, इससे बड़ा नरक और क्या होगा। ना तुम मरते हो ना तुम जीते हो। अलग से कुंभी पाक नरक की व्यवस्था बनाने की जरूरत भी क्या थी, लेकिन ये उन्होंने बनाए जो अज्ञानी थे, जो जानते नहीं थे। नरकों की व्यवस्था और पुराणों की लिखत मूर्खों की कार है। ज्ञानी कभी ऐसी मूर्खता नहीं करता, ज्ञानी जानता है कि कहीं कोई नरक नहीं, कहीं कोई स्वर्ग नहीं, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड ही नरक है, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड ही स्वर्ग है। और तुम्हारे तथाकथित गुरुओं ने तुम्हें गलत व्याख्याएं पकड़ा दी हैं, और इन्हीं व्याख्याओं के कारण तुम उलझे हुए हो, और किसी कारण से तुम दुखी नहीं हो। तुम्हारे दुख के कारण तुम्हारे मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें नरक का रास्ता दिखा देते हैं। और अगर संत पाखंडी नहीं है, सही ज्ञानी है, अपने अंतस में उतरा हुआ है, तो वह तुम्हें कभी दुख का मार्ग नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक भावना होगी कि जो सुख मैंने चखा, आप भी उस सुख को चख लें। उसके भीतर भावना होगी एक करुणा की कि जो आनंद मैंने पिया, जो खुमार मैंने चखा, जो सुरती का स्वाद मैंने लिया, वह मेरा अनुगामी भी उस स्वाद को चखे। जो ऐसी इच्छा की भावना रखता है वह संत, और जो ऐसी भावना रखता है कि सिर्फ मैं ही सुखी रहूं और बाकी कोई मेरे मुकाबले सुखी ना रहे, वह असंत। बस यही फर्क है संत और असंत का। संत अपने सुख में दूसरों को शरीक कर लेना चाहता है, असंत अपने सुख में दूसरों को शरीक कर लेना नहीं चाहता, बल्कि रोकता है कि कहीं ये मेरे सुख में शरीक ना हो जाए। यही एक छोटा सा फर्क संत और असंत के भीतर बड़ा भेद पैदा कर देता है। संत तुम्हारे ताप से दुखी होता है, संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मक्खन थोड़े से ताप से पिघल जाता है, वैसे ही संत आपके दुखों से पिघल जाता है। लेकिन असंत नहीं पिघलता, असंत आपके दुखों पे हंसता है, असंत आपके दुखों पर जश्न मनाता है। बस संत और असंत की परिभाषा मैंने सूक्ष्म रूप में समझा दी। जो दूसरों की पीड़ा में जश्न मनाए, नाचे कूदे, हर्ष उल्लास मनाए, वह असंत। ये दूसरों की पीड़ा में स्वयं को भी स्थापित कर ले, वह संत। दूसरों की पीड़ा को समाप्त करने के प्रयत्न करे, वह संत।
क्रोध, क्रोध से घिरा हुआ आपको प्रत्येक संत मिलेगा, और भावनाहीन तो मुर्दे होते हैं, भावनाहीन जीवंत व्यक्ति तो तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। पत्थर जरूर मिल जाएंगे, आपके मंदिरों में रखी हुई मूर्तियां भावनाहीन अवश्य होंगी, लेकिन उनमें प्राण नहीं होगा। कितने ही तुम्हारे पंडित तुम्हें मूर्ख बना ले कि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, यह सिर्फ आपको मूढ़ बनाने का तंत्र है। कितने ही जुलूस निकालो औरतों के सिर के ऊपर कलश रखकर, लेकिन मूर्ति के भीतर, पत्थर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा कभी होती नहीं। क्या कोई ऐसा उपक्रम है कि हम क्रोध में भी क्षमा को साध सकें? है तो लेकिन मुश्किल बहुत है। क्रोध में क्षमा को साधने के लिए आपको उस अंत स्तर पर जाना होगा जो मैंने आपको पहले कहा कि कृष्ण जानते हैं कि शिशुपाल कटेगा ना, और भीतर से वो स्थिर हैं ये भी जानते हैं, स्थिति प्रज्ञ स्वयं भी है, और ये भी जानते हैं कि क्रोध बाहर बाहर सफियर के ऊपर है, परिधि के ऊपर है, मैं क्रोध से युक्त नहीं होता, क्रोध की पहुंच मेरे से कहीं दूर है, और हम भी जानते हैं कि ये क्रोध मुझे नहीं छू पाता, ये क्रोध बाहर बाहर परिधि में बुद्धि के तल तक या हृदय की भावनाओं तक ही सीमित है, इस क्रोध से मैं अछूता रह जाता हूं, यही है क्रोध में क्षमा को साधना। कर पाओगे? और रोज बताता हूं, फिर सवाल उठ जाते हैं, रोज बताता हूं तुम्हें, परिधि पर, परिधि के पार होती घटनाओं को केंद्र के साथ मत जोड़ो, केंद्र पर तो महाविश्राम है और परिधि पर कोलाहल ही कोलाहल है, शोर ही शोर है, परिधि पर क्रोध भी आएगा, क्षमा भी आएगा, लेकिन आपका केंद्र अछूता रह जाएगा, वहां ना शीतल हवाएं पहुंचती हैं ना गर्म लुओं का वहां पर स्थान है, वहां ना चिंताएं चली जाती हैं ना ही शांत अवस्थाएं, जो शांति और चिंता से परे है वह वो स्वरूप है, लेकिन जितना शब्दों में बताया जा सकता है उतना मैंने व्याख्यायित कर दिया है, और इस व्याख्या को पूर्ण व्याख्या मत समझ लेना, मुझे लोग पूछ लेते हैं ये संसार का निर्माण किसने किया, कैसे किया, अभी कल ही किसी ने प्रश्न पूछा, एक छोटा सा क्लिप भेजा मुझे, कोई नए भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान शिशि वासुदेव, वो कहते हैं मैं ही भगवान, मैं ब्रह्मा, मैंने ही सारी सृजना को सृजित किया, मैंने ही बनाई है सारी सृष्टि, मैं ही हूं ब्रह्म। देखिए अगर इसको उस तल से देखा जाए जिसे हम अनुभव कहते हैं तो ये सत्य है बात, अकेले शशि देव जो भी उनका नाम है, नाम मुझे ठीक से याद नहीं, शायद शशि वासुदेव है, अकेले वही ब्रह्म नहीं है, ध्यान रखना तुम भी ब्रह्म हो,
खालक खलक खलक में खालक। यहां एक व्यक्ति ब्रह्म हो ऐसा नहीं है। समुद्र में प्रत्येक बूंद समुद्र है, इस बात को ध्यान में रखना, यद्यपि मैं बड़ी सिंबॉलिक भाषा को बोल रहा हूं। प्रतीकात्मक चिन्हों में मैं इस भाषा को बोल रहा हूं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, समुद्र की प्रत्येक बूंद समुद्र है। इसलिए अकेले शिशु वासुदेव परमात्मा नहीं है, अकेले शिशु वासुदेव ब्रह्म नहीं है। तुम भी ब्रह्म हो, प्रत्येक जर्रा जर्रा ब्रह्म है, यही तो उपनिषदों में कहा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। कोई एक व्यक्ति घोषणा कर सकता है, कौन करेगा घोषणा? जिसने ये जान लिया। और अगर ये घोषणा जानकर की जाती है अहम ब्रह्मस्म, तो शुभ है और सत्य भी है। दो तलों से ये घोषणा हो सकती है। वो दो तल कौन से हैं? एक बुद्धि का तल है, जहां से अहंकारी उद्घोष करेगा, यहां से हिरण्यकश्यप उद्घोष करेगा, अहम ब्रह्मस्म, मैं ही ब्रह्म हूं। प्रह्लाद को रोकेगा कि देखो नारायण नारायण करना बंद कर दो, मैं तुम्हारा पिता हूं, पिता के साथ साथ मैं ब्रह्म भी हूं, मैं भगवान भी हूं। लेकिन हिरण्यकश्यप ने जाना नहीं कि मैं ब्रह्म। एक तो इस तल के व्यक्ति मिलेंगे हिरण्यकश्यप जैसे। ऐसी वृत्तियां कुछ तानाशाहों में भी पाई जाती हैं। हिटलर कहेगा मैं ब्रह्म हूं, मेरी पूजा करो, मैं जो कहता हूं वही करो। ये तानाशाह लोग भी अपने आप को ब्रह्म का उद्घोषणा करेंगे कि मैं ब्रह्म। एक उद्घोष तो ये जो बुद्धि के तल से आता है, ये हिरण्यकश्यप जैसे लोग मेरी ही पूजा करो, नारायण की पूजा मत करो। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, जाना कहां? हिरण्यकश्यप ने जाना नहीं। खोपड़ी के तल से उद्घोष कर देना तो कोई भी कर सकता है। उद्घोष करना है तो प्रत्येक व्यक्ति उद्घोषणा कर सकता है, लेकिन वो उद्घोषणा अहम के तल से आएगी, अहंकार के तल से आएगी, और वह एक इल्यूजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इल्यूजन होगा जैसे तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, अपने आप को मन माने बैठे हो, फिर तुम अपने आप को भगवान मान लोगे। इल्यूजन होगा ये भी। पहले इल्यूजन था कि तुम शरीर हो, तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, फिर अब इल्यूजन तुम्हारा थोड़ा फैल गया, फिर तुम कहोगे मैं ब्रह्म, और फिर तुम उससे भी आगे कहोगे कि मैं तो सृजनहारा हूं, मैं तो सृष्टि करता हूं। ये मैं का फैलाव है। एक उद्घोषणा यहां से भी होती है, और मैंने कहा दो तलों से इस बात की उद्घोषणा हो सकती है। एक तल तो मैंने आपको बता दिया, बुद्धि के तल से, अहंकार के तल से, इल्यूजन के तल से, जाना नहीं है, उद्घोषित कर दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरी ही बात को माना जाए। लेकिन प्रह्लाद मानते नहीं, जचती नहीं बात। जिसने सृजन किया है वह मुझे पूजो, ऐसा क्यों कहेगा? परमात्मा ने कभी कहा कि मेरा पूजन करो? कितने वर्षों से वो है, आद सच जुगाद सच
है भी सच नानक होसी भी सच और जुगो जुगांतर तक वो रहेगा, लेकिन कभी उसने उद्घोषणा की करेगा भी नहीं। एक तल है बुद्धि का तल, उसे अहंकार का तल कहते हैं और वह व्यक्ति इल्यूजन में होता है। भ्रम बढ़ गया, पहले भ्रम सीमित था, मैं मन हूं मैं शरीर हूं, अब भ्रम बढ़ गया, मैं ब्रह्म हूं, मैं रचनाहार हूं, मैं सृजनहार हूं, ये भ्रम बढ़ गया। ऐसे भी लोग होते हैं। और एक भीतर के तल से आता है, अनुभव से, वह सत्य है। सत्य में तो तुम भी ब्रह्म हो, जब जानोगे तो तुम भी उद्घोष करोगे। मंसूर भी उद्घोष करता है अनल हक, लेकिन वो उद्घोष करता है और परीक्षा की परिपाटी पे, परीक्षा की कसूटी पे सत्य उतरता है। उसे कहा गया कि इस्लाम में ऐसी मान्यता होती नहीं, तुम अपने शब्द वापस ले लो मंसूर, देखने में बड़े बोले लगते हो, देखने में बड़े प्यारे लगते हो, ये उद्घोषणा मत करो। उसके गुरु ने भी कहा, लेकिन कह लगा नहीं, मैं बोलता ही नहीं, वह ही बोलता है, मैं हूं ही नहीं, बस ये वो तल है जहां कोई होता ही नहीं, और पहले वाला वो तल था जहां वह ही होता है। तो दूसरे तल से भी उद्घोषणा होती है, जानकर खुद को ब्रह्म जानकर, वो कृष्ण करते हैं उद्घोष। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब भाषा तो समान है, भाषा की अल्पज्ञता को कौन नहीं जानता, भाषा तो असमर्थ है सीमित है, उधर भी यही भाषा प्रयोग होगी बुद्धि के तल के ऊपर, और इधर भी यही भाषा प्रयुक्त होगी स्वयं के तल पर। अनन्या चिंतन तो माम, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है। तो कृष्ण भी मैं का प्रयोग करते हैं, लेकिन कृष्ण इल्यूजन से युक्त मैं का प्रयोग नहीं करते हैं। कृष्ण को कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बल्कि वो तो बार बार कहते हैं कि संदेह को त्याग दो, तुम उस तल पर चले जाओ जहां जाकर संदेह समापन की ओर चले जाते हैं, जहां संदेहों का नाश हो जाता है वहां तुम चले जाओ अर्जुन, लेकिन अर्जुन जा नहीं पाते। इसलिए वक्त बीतता देखकर कृष्ण शक्तिपात करते हैं और उन्हें एक बार वो तल दिखा देते हैं कि देख मेरा विराट रूप। और अर्जुन जब उसको देखता है तो उसकी ये धारणा टूटती है कि मैं शरीर हूं, और जैसे ही ये धारणा टूटती है कि मैं शरीर हूं, वैसे ही ये धारणा भी टूट जाती है कि द्रोण शरीर हैं, भीष्म पितामह शरीर। पहले तुम्हारी खुद की धारणा टूटती है, ये समझ लेना, और जैसे ही तुम्हारी खुद की धारणा टूटी कि मैं शरीर हूं, तैसे ही बस उसी उसी वक्त तुम्हारी ये धारणा भी टूट जाती है कि दूसरे शरीर हैं, दूसरे मन हैं, ये बिल्कुल सेम मूवमेंट पे होता है, एक ही क्षण में ये दोनों घटनाएं घटती हैं। तो दूसरे तल पे गया हुआ व्यक्ति, और दूसरा तल है अनुभव का। अनुभव से अगर स्वयं को
विराट अस्तित्व में बिखरा हुआ पाया। अपने फैलाव को इतना अनंत तक आपने देख लिया, खुद अनुभव कर लिया और उसके साथ पर मस्ती भी छाएगी। यह बात ध्यान में रख लो, जो बाबा नानक खुमारी कहते हैं वो भी छाएगी। जो शब्द और श्रुति का मिलान होगा वह आनंद भी छलकेगा। गोते भी लगाओगे तुम उस उद्यान के भीतर बैठकर, बड़ा आनंद छाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वहां जाकर तुम्हारे स्वर्ग लज्जा से भर जाते हैं। और हॉस्पिटल्स में दुख देखकर तुम्हारे नरक शर्म खा जाते हैं। तुम्हारे नरकों में तुम जलाते हो, कड़ाहों में तलते हो, भला मैंने पूछ लिया वो तला कौन जाता है? कहते आत्मा। मैंने कहा वही आत्मा जिसे कृष्ण कहते हैं ना तो जलती है ना गलती है, ना शस्त्र उसे काट सकता है ना अग्नि उसे जला सकती है, फिर तेल के जलते हुए कड़ाहों में वो आत्मा पकोड़ा बनेगी कैसे? तो इन प्राण पंथियों के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये मनगढ़ंत बातें थी, इनमें सत्य का एक बूंद भी ना था। कौन तला जाता है? शरीर जो तला जा सकता था वो तो हमें यहां तल दिया, जला दिया, और फिर शेष वो रह गया जो ना जलता है ना गलता है ना कटता है ना सूखता है। फिर तुम्हारे नरकों में उबलते हुए तेल के कड़ाहों की कीमत भी क्या रह गई और उनका प्रयोजन भी क्या रह गया? और जो संत अपने उस स्थल पर जाकर कल्प वृक्ष की भांति जो सोचता है, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, उसने तुम्हारे कल्प वृक्ष का क्या करना है? वह कल्प वृक्ष उस स्वर्ग में है, जो तुम मांगते हो मिल जाता है। और सच पूछो तो वहां मांगने की जरूरत कहां रह जाती है? इतना परम आनंद और इतनी परम मस्ती की खुशबू को के भीतर प्रतिष्ठित तुम क्या कामना कर पाओगे कि मुझे ये मिल जाए? अगर तुम कामना कर पाओगे तो तुम नकली स्वर्ग में हो, क्योंकि असली स्वर्ग जो तुम्हारे उस तल पर तुम्हें मिलेगा वह परम तृप्तिदायक है। इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लेना। उस तल पर, जिस तल पर वो सावर्गिक हम कह देते हैं क्योंकि शब्द है, सावर्गिक आनंद हमें मिलता है, वहां स्वर्ग जाके शर्मा जाते हैं। वहां तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन वहां मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब तृप्ति ही हो गए, तृप्ति का अर्थ ही ये है कि मांग समाप्त हो गई। लेकिन बाबा तुम्हें कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तुम मांग के तो देखो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहां मांग खो जाएगी तो मांगोगे क्या? मांगोगे तृप्ति के लिए, और तृप्ति मिल गई जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। कौन सा धन मांगोगे? किसी धन को मांगने की आवश्यकता कहां बची? आवश्यकता तो तब तक होती है जब तक कि तृप्ति होती नहीं, और वहां जाकर पूर्ण तृप्ति हो जाती है, परिपूर्ण तृप्ति। यह वो तल है। तो पूछते हैं कि क्या क्षमा और क्रोध इकट्ठा सच सकता है? बिल्कुल सच सकता है, और संत इन दोनों को इकट्ठे ही सहता है। वह संत ही क्या जो दोनों को इकट्ठा ना सह सके? परिधि परिधि के ऊपर क्रोध चलेगा,
राम कहते हैं समझ जाओ। मैं वाणों को कसता हूं अग्नि बाण से, तो मैं सारा तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। और कृष्ण कहते हैं क्रोध से लाल होकर, शिशुपाल अब आगे अगर जुबान खोली तो बड़ा घातक होगा, परिणाम समझकर ही आगे से जुबान खोलना, और क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन ये जानते हैं कि क्रोध परिधि पे है, स्वयं क्रोध को निहार रहे हैं। भगवान तो आप हो, पूजनीय हो, प्रातः है स्मरणीय, आप ब्रह्म हो, वंदनीय हो, आपकी ही पूजा होनी चाहिए। ये जिन लोगों ने शूद्र वर्ण बनाया और शूद्र वर्णों के साथ और स्त्री जाति के साथ इतना भेदभाव किया, और कम से कम इतना तो पक्का है कि वो ब्राह्मण तो नहीं थे, क्योंकि अगर सच में ब्राह्मण रहे होते और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसने तो फिर सभी के भीतर ब्रह्म जान लिया, फिर स्त्री में भी ब्रह्म है, फिर शूद्र भी ब्रह्म से भरा पड़ा है, और जितना ब्रह्म तुम में है उतना ही ब्रह्म स्त्री में और शूद्र में है। रत्ती भी कम नहीं, रत्ती भी ज्यादा नहीं, बराबर है। फिर सभी की पूजा होनी चाहिए, अकेले कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए, राम की पूजा नहीं होनी चाहिए। तुम भी हो लेकिन सोए हुए हो, बस जब तुम सोए से जग जाओगे, और सोने से जगने में कितनी देर लगती है बताओ, कितनी देर लगती है? तुम रात को सोए पड़े हो, सुबह तुम जागते हो, कितनी देर लगती है? सोए से जागने में कितनी देर लगती है? तुम कहोगे एक एक क्षण लगता है, बस जपक से आंख खुल जाती है, बस इतनी ही देर लगती है। तुम्हें ब्रह्म होने में इससे ज्यादा देर लगती नहीं, तुम ब्रह्म हो। और मुझे तो कभी कभी आप भी इनसे घिरे हुए मालूम पड़ते हो, बिल्कुल मालूम पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं ऊर्जा विहीन हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, तब आपको कुछ नहीं मालूम होगा, फिर तो मैं ऊर्जा विहीन हुआ, बस मुर्दा हो गया, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बुद्ध पूछ तो लेते हैं कि और भी कुछ कहना है, और जब बुद्ध मर जाते हैं तो फिर ये भी पूछने वाला चला जाता है, ये प्रतिक्रिया ही है, ढंग अलग है। ब्रह्म तो आप ही हो, उद्घोषणा कोई भी करता है, वही मैंने कहा दो तल हैं उद्घोषित करने के, एक तल बुद्धि का बिना जाने उद्घोषित कर देता है, और दूसरा तल स्वयं का जानकर उद्घोषित करना, बिना जाने करता है हिरण्यकश्यप, और जानकर करते हैं कृष्ण भगवान। और फिर ये कहते हैं कि मैंने ही निर्मित किया है सारी सृष्टि को, यह सारा रचना मैंने ही किया है। तो फिर भाई अगर तुमने ही किया है तो फिर आश्रम बनाने के लिए पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपको पता है वहां जाकर मांग खत्म हो जाती है, मैंने कल ही के प्रवचन में कहा था, ये वो तल है, आज भी बोला हूं। बाबा कहते हैं जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, तो तुम अगर ब्रह्म हो, तुमने अगर सृष्टि का सृजन किया है,
तो क्यों मांगते हो? जिसके पास 1000 करोड़ है वो 1000 करोड़ दे रहा। मैं तुम्हारी जेबें खाली करने आया हूं, तुम्हारे दिमाग के बोझ को भी खाली करने आया। पर मांगते क्यों? इतनी सृष्टि का निर्माण कर दिया, थोड़े से पीछे का भी निर्माण कर। आश्रम के योग्य पीसे का निर्माण कर लो, कोई थोड़ा सा सोना वगैरह बना लो। जब सृजन करता हो तो आश्रम चाहे सोने का बना लो लंका की तरह, कौन रोकता है? जहां कुछ नकलियत की वो आती है, इन शब्दों में दुर्गंध आती है। क्यों मांगते हो? सृजन तुमने किया है, तुम ब्रह्म हो, तो इतना सा संकल्प और कर लो। सारी सृजना का निर्माण किया, आश्रम की सृजना भी कर लो। मांगने की क्या आवश्यकता है? क्या आश्रम की सृजना नहीं हो सकती? हम मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आपने मांगना नहीं। मैं कभी मांगूंगा भी नहीं, ये बात ध्यान में रख लेना। क्योंकि मांगना आता है लोभ से, जो इकट्ठा करना चाहेगा वो मांगेगा। ये तो आप ही लोगों का उपकर्म है, आप ही बना रहे हैं। जो छोटा मोटा बना रहे हैं, मैं तो कभी क्या कहूं? क्या बना रहे हो, क्या बना लिया है, कैसा बनाओगे? नहीं, मुझे तो आप कहोगे मैं यहां से उठ के वहां बैठ जाऊंगा। अब जैसे यहां दर्शन नहीं देता, वहां दर्शन नहीं दूंगा। जैसे यहां किसी किसी से मिल लेता हूं, वहां भी ऐसा ही कुछ होने को है। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं 2400 घंटे आपसे बातचीत ही करता रहूंगा। न स्वभाव थोड़े बदलेगा, मैं जैसे अब हूं वैसा ही वहां हूं। हां, वहां आपको सहूलत होगी, वहां आपने अपने बैठने के लिए चैनल कंट्रोलर्स ने किसी तरह से भी उपाय किया, आप बना रहे हो। एक दिन वहां जाके बैठ जाऊंगा जब आपको होगा, मुझे क्या आपत्ति है? नहीं बनता यहां बैठा था, फिर भी नहीं बनेगा यहां बैठा रहूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो अगर आप ये कहते हो कि शशि वासुदेव सृजन करता है, ब्रह्म कहते हैं कि सारी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, तो फिर आश्रम का निर्माण क्यों नहीं कर लेते? फिर मांगने की आवश्यकता कहां है? भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरे पाने योग्य है और जो मेरे पास नहीं है। अब दो शब्द बड़े प्यारे, कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं है और जो मेरे पाने योग्य है वही होता है भगवान। लेकिन यहां तो शब्दों के भीतर के अर्थ बदल गए। यहां तुम भगवान हो, कौन कहता है नहीं? बिल्कुल भगवान, बिल्कुल ब्रह्म हो, और कौन ब्रह्म नहीं है यह बताओ। सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, ब्रह्म से सारा खलक भरा पड़ा है। तुम भी तो ब्रह्म हो, सभी भी तो ब्रह्म है, जिनसे तुम मुखाते हो वो भी तो ब्रह्म है। लेकिन बात तो आंख खुलने की, बात तो अनुभव की है, लेकिन इन शब्दों में वो आती है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं सृजनहारा हूं, मैंने सृजना की है, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, और फिर वो कहता है कि पीछे दे दो, मैंने आश्रम बनाना है,
बस यहां मुश्किल पड़ जाएगी। मेरी बातों को ध्यान से आपने सुना और इसको हृदय में उतार लिया। जिसने सृजन किया है वह सृजन कर सकता है, कोई वक्त का पाबंद नहीं कि पहले सृजन किया था अब सृजन कर नहीं सकता, कोई लकवा नहीं मार गया है हाथों को। ऐसे पाखंड बंद होने चाहिए। इसलिए ज्ञानियों के लक्षण बताए गए। बुद्ध कपिल वस्तु को छोड़ के आते हैं और किसी न किसी घर के सामने रोज खड़े मिलते हैं कि रोटी दे दो। शंकर भी मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कपिल वस्तु के सम्राट में जब चाहे कपिल वस्तु के ऊपर सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अगर शंकर लक्ष्मी को कह सकते हैं कि मां वर्ष सोने के रूप में वर्ष, तो मां लक्ष्मी बरसती है सोने के रूप में बरसती है, तो भाई सोने के रूप में बरसा लो। जब शंकर बरसा सकते हैं, बुद्ध कपिल वस्तु की गद्दी छोड़ सकते हैं, हीरे जवाहरातों का खजाना छोड़ सकते हैं। बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा मैंने आश्रम बनाना, और सच्चा बुद्ध कभी कहता भी नहीं मैंने आश्रम बनाना। वो तो जहां बैठ गया वहीं आश्रम है। ये तो आपके ढकोसले हैं सारे कि हम बनाएंगे तो बना लो, लेकिन मैं बनाऊंगा, यहां फर्क पड़ जाता है। जहां मांगना तुरोहित हो गया बस वही व्यक्ति ब्रह्म हो गया, समझ लेना। साहेब मिलते हैं और सबूरी आती है। अगर आपको सब्र नहीं आया, तृप्ति नहीं आई, तो एक बात निश्चित है, साहेब नहीं मिले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल ही सबूरी में, साहेब मिल ही सबूरी में, मन लाग्यो मेरो राम फकीर में, फकीरी मैं मन लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।